मान लीजिए आपकी पार्टी पावर में आती है तो क्या करप्ट लोगों को जो भ्रष्टाचार के जिनके ऊपर आरोप हैं उनको आप टिकट नहीं देंगे या उनको मंत्री नहीं बनाएंगे? सरकार में अनेक निर्णय करने पड़ते हैं। अब मैं आपको साफ बता दूं, थोड़ा सा इस कारण में मैं भुगतता हूं। आप अगर मुझे कहोगे कि नितिन गडकरी आप बताओगे आप भ्रष्ट व्यक्ति को टिकट ना दो तो क्या मैं 546 में एक भी सीट ना जीतू क्या? अरे यही सवाल है कि क्या कभी भ्रष्टाचार मुक्त भारत हम कभी पा पाएंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, फिलोसॉफिकल बात करने में कोई मतलब नहीं है जी। समाज में जो बुराइयां हैं वो कम अधिक प्रमाण में चलती रहेगी, वो आज भी है, कल भी थी और आज से 5000 साल पहले भी थी। ये कोई आज फैली हुई चीज नहीं, आज ज्यादा है और मीडिया और सब एक्सपोजर मिलने के कारण वो बाहर आ रही है। पर आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि ये पूरा समाप्त होगा क्या, मुझे अब प्रैक्टिकली मेरे दिल की बात है कि कठिन है।